नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान वर्मा। ये मेरी दादी है। आज है दादी के नुस्खे सीरीज का डे 3। जी हाँ, आज मेरी दादी आपको एक ऐसा जूस बताएंगी जो आप अपने बालों के अंदर लगाएंगे ना, आपकी हेयर ग्रोथ ना 1 मंथ के अंदर, जी हाँ, ओनली 30 डेज के अंदर ही 2 गुनी होगी। इसकी जो हेयर लाइन है यहाँ से साफ हो गई ना, एकदम गंजापन आ गया, वो भी नहीं आएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। पहले एक प्याज लिया है, कुछ लहसुन की कली ली है एंड थोड़ा सा अदरक लिया है। इन तीनों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब इसका गाइस मैं ना जूस अच्छे से निकाल लूँगी, आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ आप उस तरीके से ही निकालिएगा। एंड इसके अंदर आप फिर बाद में ऐड करना कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल 1-1 चम्मच। जी हाँ, ये आपके बालों को काफ़ी चमकदार बनाएगा एंड साथ ही साथ कैस्टर ऑयल बालों को हेयर ग्रोथ करने में और भी ज़्यादा प्रमोट करेगा। एंड इस रेमेडी को आपने खाली नहीं लगाना है, आपने इसके साथ ऑयल मिलाकर ही लगाना है। चाहे तो आप ये दोनों में से कोई भी ऑयल डाल सकते हैं या फिर आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। देन इसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारी जो रेमेडी है एकदम बनकर हो गई है, रेडी है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कैस्टर ऑयल भी ऐड कर दिया है। ये तो अब बताती हूँ लगाना कैसे। गाइस इसे आप अपनी बस स्कैल्प पर ही लगाना या फिर लगवाना किसी से भी। तो एक मेरी दादी हैं जैसे कि आप सब जानते हैं, तो अब ये मेरे स्कैल्प पर धीरे धीरे करके पूरी स्कैल्प पर अच्छे से लगा रही है। एंड मेरे से जितना ना पॉसिबल हो पा रहा रिकॉर्ड करना, मैं उतना ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपने लेंथ पर नहीं लगवाना है इसे। जी हाँ, ये आपके बालों को ईजिली ग्रो करेगा। एंड इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मिले हैं जैसे कि प्याज, वो आपके बालों को जो है चमकदार और घना बनाती है। साथ ही साथ में प्याज के रस में आपको भरपूर सल्फर मिल जाएगा जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। इससे नए बालों को उगने में भी मदद मिलती है और बालों का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है। यह बालों को घना बनाने के साथ साथ चमकदार भी बनाता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर प्याज लिया है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो था मेरा वो था लहसुन। लहसुन में सल्फर और सेलेनियम होता है जो बालों को मजबूत करने में मदद करता है। लहसुन के अंदर कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे डैंड्रफ को भी ट्रीट करती है आसानी से एंड जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी तेज़ करती हैं, साथ ही साथ में मजबूत और लंबे बाल करती हैं। जी हाँ, और ये वाइट हेयर का भी एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन माना गया है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से दादी लगा रही हैं। जी हाँ गाइस, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। यहाँ पर मैंने लिया था गाइस जिंजर। जिंजर के भी अपने बहुत ही सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि बालों के लिए जो अदरक है वो काफ़ी एकदम भून की तरह है। जी हाँ, बालों में अदरक लगाने से क्या होता है, हमारी हेयर ग्रोथ होती है। अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो आप अदरक का जूस भी लगा सकते हैं। जी हाँ गाइस, मैंने इसमें अदरक भी ऐड करा है। यह हमारे बालों को गिरने से रोकता है और साथ ही साथ अगर इसके में कोई भी इन्फेक्शन है जिसको दूर करना है तो उसके लिए अदरक लगाया जाता है। जी हाँ, बट अगर आपको कोई सीरियस मतलब कंडीशन है या कोई कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिएगा। ये तो छोटे मोटे इन्फेक्शन के लिए है। एंड अब मैं बताऊँगी आपको अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो था ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का क्या रोल है? ऑलिव ऑयल में पाया जाता है ओलियोरोपिन नामक तत्व जो बालों को बढ़ने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। जी हाँ गाइस, जैतून के तेल से क्या होता है, स्कैल्प की मसाज करने से ना बाल झड़ने की समस्या का एक हद तक दूर हो जाती है। एंड गाइस यहाँ पर अब बारी आती है कैस्टर ऑयल की। तो कैस्टर ऑयल भी हेयर ग्रोथ करता है एंड बालों को जो हेयर ग्रोथ के साथ साथ उनके टेक्सचर भी स्मूथ रखता है एंड हेल्दी रखता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे पूरे स्कैल्प पर लग गया अच्छे से ऑयल। दादी ने मुझे ये जूस बताया था, दादी कुछ इसके बारे में बताएंगी। और उसमें जैतून का तेल और अरंडी का तेल थोड़ा डाल के जो गंजापन है खत्म हो जाएगा, बाल भी काफी मजबूत और अच्छे। तो मैंने सुबह उठकर करा था गाइस हेड वॉश, आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा चमकदार लग रहे हैं, शाइनी लग रहे हैं। साथ ही साथ में मेरा हेयर ग्रोथ भी इससे प्रमोट हुआ है। एक रात में नहीं हुआ, मैं इसे काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ, मतलब जैसा दादी ने बता रखा है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके देखने को मिलेंगे। आप इसे महीने में कम से कम 5-6 बार तो इसे यूज़ ज़रूर करना गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है ना क्या करना है, मेरी वीडियो को करना है लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।